एक बार आगे आइएगा, एक बार आगे आइएगा, यहाँ आइए, यहाँ देखिए गेहूँ का स्पीड, यहाँ देख सकते हैं 15 किलो का पूरा जो गेहूँ का बोरी है इसको अब हॉपर में डाल दिया गया है। मतलब इसमें आप अनाज में हर अनाज पीस सकते हैं, जड़ी बूटी पीस सकते हैं, मसाला भी आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं। अच्छा, मर्चा मसाला ये पिसाई करता है। हाँ। इसका पत्थर हार्ड है, कुछ भी मतलब कुछ भी पिसाई कर सकते हैं इसका। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गांव में एक बहुत ही तूफानी मशीन लेकर के भैया, जहाँ पे इस मशीन को एक भी मतलब मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और इसका जो प्रोडक्शन होने वाला है बड़े बड़े मशीनों को ये टक्कर देने वाली है, ये डायमंड स्टोन कटर आटा चक्की मशीन। तो ये इस मशीन के बारे में हम सारी जानकारी बताने वाले हैं और इस मशीन की क्या खासियत होने वाली है और इस मशीन से आप लोग क्या क्या चीज़ें बदला सकते हैं वो सारी चीज़ें बनाने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो आप लोग लास्ट देखिए और इस वीडियो में आप लोगों को लाइव डेमो दिखाने वाले हैं कि कितना प्रोडक्शन कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को लाइव करके दिखाने वाले हैं आपके आंखों के सामने। तो चलिए सीधा हम यहाँ के ऑनर से मिलते हैं और आप लोगों को इस मशीन के बारे में सारी जानकारी बताते हैं और डेमो आप लोगों को लाइव करके दिखाते हैं। हमारा साथ जुड़ चुका है यहाँ से ऑनर। हाँ जी भैया, नमस्ते सलेश भैया, और जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं उनका मेरा नमस्कार। भैया एक बार थोड़ा सा ये जो नई मशीन लेके आए हैं इस मशीन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हमारे सभी व्यूअर्स को बताते चलिए। इस मशीन का नाम है डायमंड कटर स्टोन आटा चक्की। अच्छा अच्छा। इसमें टूंगने कटाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। मशीन वन टाइम खुलती है। हाँ। कब? जब पत्थर को चेंज करना होता है तब। अच्छा अच्छा, मतलब जब पत्थर खराब होगा तभी। तब हाँ। है। और पत्थर का जो लास्टिंग है 2.5 लाख किलो पे ही पत्थर चेंज होता है। 2.5 लाख किलो? हाँ, 2.5 लाख किलो मतलब हो गया 2500 क्विंटल आपको पत्थर को चेंज करना है। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात, इस मशीन को बनाया गया 15 HP मोटर 22 HP आइसर के लिए। अच्छा। 15 HP से नीचे के लिए इस मशीन को नहीं बनाया गया। अच्छा। और इसका प्रोडक्शन जो है 300 किलो प्लस प्रोडक्शन रहने वाली है। 300 किलो पर 300 किलो प्लस इसका प्रोडक्शन रहने वाली है एक घंटे में। अच्छा जी। तो देख सकते हैं भैया बड़े बड़े मशीनों को टक्कर। एक और बात आपको बताएंगे सर, आपका मशीन एक बात और बताएंगे, आटा चक्की में 3 मॉडल हो गया इसको लेके। कौन कौन? एक मॉडल हो गया पुराना वाला पत्थर एमरी जो होता है, दूसरा हो गया पल्वराइजर और तीसरा हो गया अपना डायमंड कटर। अभी जो नया है डायमंड स्टोन कटर। पुरानी वाली जो पत्थर वाली आटा चक्की है वो आपके उसका जो RPM होता है 850 होता है। पल्वराइजर जो होता है उसका RPM होता है 2800 RPM होता है और इसका RPM है 720। अच्छा अच्छा। तो RPM बताने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि RPM ज्यादा होने से शॉर्टेज मेरा घटता है। अच्छा अच्छा। तो आपको यहाँ शॉर्टेज भी कम दिखने को मिलेगा। अच्छा अच्छा। 1 क्विंटल में 1 से 1.5 किलो ही आटा आपको इसमें शॉर्टेज दिखने को मिलेगा। अच्छा अच्छा, मतलब बचत भी आप कौन सा पूरा भी लाइव डेमो करके दिखाने वाले हैं आपको पूरा दिखाएंगे कितना किलो जा रहा है तो कितना किलो आटा बन रहा है। बता दिए आटा तो मान लीजिए ये करता ही है, अभी दिखाने वाले हैं इसके अलावा और क्या क्या चीजें मतलब। इसमें आप अनाज में हर अनाज पीस सकते हैं, जड़ी बूटी पीस सकते हैं, मसाला भी आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं। अच्छा, मर्चा मसाला ये पिसाई करता है। हाँ। इसका पत्थर हार्ड है, कुछ भी मतलब कुछ भी पिसाई कर सकते हैं इसमें। अच्छा, आप बोल रहे थे मतलब लोहा डाल लीजिए तो भी पीस दे। लोहा को हम नहीं पीसेंगे, लोहा घिसने वाला पत्थर है इसमें। अच्छा अच्छा। जो लोहा में जो धार लगाते हैं जो घिसते हैं जिस पत्थर से, उसका सबसे हेवी क्वालिटी वाला पत्थर इसमें लगाया गया है। अच्छा अच्छा। तो चलिए सीधा दिखाइए कितना कैसे डेमो हो रहा है और आपको लाइव डेमो करके दिखाते हैं। यहाँ आइए, यहाँ 15 किलो गेहूँ हमने डाल दिया है। ये देख सकते हैं आपका गेहूं रखा गया है, 15 किलो गेहूं इसमें डाला गया है। देख सकते हैं 15 किलो आपका गेहूं। अब इसको डाल के हम स्टॉप वॉच द्वारा आपका प्रोडक्शन निकाल के दिखा देते हैं। आपको स्टॉप वॉच के माध्यम से दिखाएंगे कि ये 15 किलो कितने मतलब टाइम में कितना टाइम में आपका प्रोडक्शन कर रहा है। देख सकते हैं 15 किलो का पूरा जो गेहूं का बोरी है इसको अब हॉपर में डाल दिया गया है और डालने के बाद इस मशीन को स्टार्ट किया जाएगा। स्टॉप वॉच के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कितने टाइम में ये 15 किलो जो आपका गेहूं है मतलब आटा बना के तैयार कर देता है। पूरा देख सकते हैं ये आपको खाली है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी आपको दूसरा नहीं है आटा। बहुत सारे लोग कहते हैं आप चीटिंग हो रहा, तो ये भी आपका देख सकते हैं होने वाला है। एक रोटी दर्रा बनाने के लिए है। ट्रैक्टर को स्टार्ट करके या पूरा लाइव डेमो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक्टर चालू हो गया है और अभी मशीन को चालू कर दिया गया है। चालू करने के बाद ये पूरा सेटअप किया जाएगा इसका। सेटअप करने के बाद जब चालू हो जाएगा आपका आटा बनना, तब आप स्टॉप वॉच में दिखाएंगे। देखिए अब यहाँ से हम स्टॉप वॉच चालू करेंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं आपका चार्ज हो गया है। अब यहाँ पे 15 किलो आपका चार्ज हो गया है। अब आ जाइए थोड़ा सा, आपको लाइव दिखाने वाले यहाँ पे देखिए, हैंगर में जाते हैं यहाँ देखिए, वो आए उधर क्या होता है ना भैया, 15 किलो 16 किलो गेहूँ पिछले में हम लोग का 4 सेकंड 5 सेकंड हम लोग का समय मैंने व्यक्त कर जाता है, ठीक ना। लेकिन तब भी आपको बता रहा है कि 300 किलो प्लस प्रोडक्शन निकाल के रहे। अच्छा, वो तो अभी सामने दिखेगा, ठीक है। 15 किलो आपका डाला गया है आपका बना के तैयार करना है, आपका बन के अभी देख सकते हैं, आपका मशीन चल रहा है आपके आंखों के सामने लाइव, यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिनट 13-14 सेकंड हो गया है आपका पूरा, देख सकते हैं कितने टाइम में ये 15 किलो आपका आटा डाला गया है, सब ठीक कितने टाइम में आपका बना। आप इसको पकड़िए, कैमरा के पास रखिए, आप देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे साइड में दिखाते रहिए, यहाँ देखिए गेहूँ का स्पीड, यहाँ देखिए गेहूँ का स्पीड, क्या स्पीड है, स्पीड देखे, और यहाँ लाइए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अब 105 में देखिए कितना हुआ, 2 मिनट 2 मिनट देख सकते हैं, 2 मिनट सेकेंड आपका हो गया है, देख सकते हैं। थोड़ा सा लाइट नहीं आ रहा, 2 मिनट 18 सेकेंड हुआ है, 2 मिनट 20 सेकेंड बंद कीजिए ये देख सकते हैं आपका बंद हो गया है कितना, अब देखिए 2 मिनट 25 सेकंड में 2 मिनट 25 सेकंड में आपका 15 किलो गेहूँ पिसाई कर दिया है। इधर आइए दिखाते हैं आपको, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं दो मिनट 25 सेकंड में खाली हो गया, पोर्शन बढ़ा गया, ये आप देख सकते हैं पूरा बन के अभी मतलब आटा बन के रेडी हो गया है, 2 मिनट 25 सेकंड 2 मिनट 25 सेकंड में आपका 15 किलो गेहूँ पिसाई कर दिया। अच्छा, इसका मतलब मान लीजिए कि आपका 2.5 मिनट में 15 किलो। अच्छा, यहाँ पे हम देखिए वो अभी तुरंत उठा के लेके आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, अब आइए सर, यहाँ पे देख सकते हैं आटा आपका बन के रेडी हो गया है और आटा की क्वालिटी भी देखिए, 2 मिनट 25 सेकंड में हमने 15 किलो गेहूँ पिसाई किया है और 15 किलो गेहूँ में आपका 200 ग्राम शॉर्टेज किया है। अच्छा, 14 किलो 800 आपका, मतलब 15 किलो गेहूँ पिसाई में आपका 200 ग्राम शॉर्टेज हुआ है। अच्छा, मतलब आपका शॉर्टेज भी कम है, शॉर्टेज भी कम है, और प्रोडक्शन जो है आप मान 2 मिनट 25 सेकंड नहीं, आप 2 मिनट 30 सेकंड मान लीजिए, और हाई मिनट में आपका 15 किलो मतलब 1 मिनट में 6 किलो मतलब 360 किलो प्लस इसका प्रोडक्शन आपको भी आपको निकाल के दिखाया है हम, 360 मतलब 360 किलो प्लस प्रोडक्शन के हिसाब से आपका प्रोडक्शन दे रहा है। तो अगर आप लोग अगर चलाते हैं 8 घंटे भी तो आपका कितना प्रोडक्शन निकाल, 8 घंटे में आपका 2400 से 2500 आपका प्रोडक्शन करके दे देगा सर जी। ये क्या बोले, ये बड़ा प्लांट के लिए मशीन है। अच्छा, जिनका पर डे 1000 किलो 1500 किलो का प्रोडक्शन है, 2000 किलो प्रोडक्शन है, उनके लिए ये मशीन है सर। अच्छा अच्छा, तो ये मशीन आप लोग देख सकते हो, प्रोडक्शन तो आप लोगों को लाइव हम करके दिखा दिए हैं। ये मान लीजिए, ये तो मान लीजिए घर पे कोई लगा ले, चाहे ट्रैक्टर पे लगा के फिटिंग करके अपना चालू कर सकता है। अगर मान लीजिए इसे बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ, पैकेजिंग करके बेचना चाहता हूँ, तो पैकेजिंग के लिए सर जी सब कुछ बुरा सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा वहाँ पे। आज हम लोग सर सिर्फ केवल मशीन पे ही बात करेंगे,
ठीक ना। अब इस मशीन में मेरे पास कितना मॉडल है आपको एक बार हम बता देते हैं, हमारे व्यूअर लोग देख लेंगे। इसमें आपका डायमंड कटर में मेरे पास तीन मॉडल है, एक 14 इंची है जो सिंगल फेज का है, एक 16 इंची है जो 5 HP 7.5 HP 10 HP 3 फेज के लिए है, और एक मशीन हो गया बाहुबली मशीन हो गया। अच्छा अच्छा, बाहुबली मशीन होने वाला, इसका प्रोडक्शन आपने देखा है आंखों के सामने। इसके अलावा बहुत सारा जो भी चीज का मतलब आप लोग आटा बनाना चाहते हैं, चाहे पाउडर बनाए, वो सारा बना, जड़ी बूटी मसाला मरचा जो भी है, हाँ। सारा एक ही मशीन के माध्यम से ऑल इन वन आपका मशीन होने वाला है। और बाकी हम बात करेंगे सर, मान लीजिए अगर ये मशीन कोई लेने आना चाह रहा हो, हाँ। चाहे कोई बुकिंग कराना चाह रहा हो, क्या अभी आप जहाँ पे खड़े हैं ये हमारे घर हुआ, गाँव हुआ, मेरा गाँव आपका केसरिया थाना मोतिहारी जिला पड़ता है। अच्छा, लेकिन मेरा जो प्लांट का जो लोकेशन है हाजीपुर बिहार में मेरा प्लांट है, ठीक, स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा प्लांट है। अच्छा अच्छा, और जंक्शन से, हाँ, और हाजीपुर बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, कोई भी भाई हमारे हाजीपुर में आएंगे हमको फोन करेंगे, मेरा आदमी रिसीव करेगा, ले आएगा, मशीन का डेमो करेगा, उसके बाद मशीन उनको पसंद पड़ेगा तो लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा, अगर मान लीजिए कोई मंगाना चाह रहा है तो उनके लिए क्या, अगर कोई मंगाए दादा तो आप 20% मेरे कंपनी अकाउंट में भेजेंगे, बाकी का जो मेरा अमाउंट रहेगा जब वो ट्रांसपोर्ट में पहुंचेगा उनके यहाँ, तो मेरा पेमेंट क्लियर कीजिए और मशीन ट्रांसपोर्ट से निकाल लीजिए। ऑल ओवर इंडिया प्लस नेपाल मेरा ट्रांसपोर्टिंग है। अच्छा, बाकी हमें एक बार वो लोगों के मन में रहता है मशीन तो खरीद रहे, गारंटी क्या ले रहे हैं, वारंटी सर जी मेरा इस मशीन का 1 साल की गारंटी है। 1 साल की गारंटी, मान लीजिए बाय द वे कुछ भी होता है तो सर 1 साल का मेरा आदमी जाएगा, जाने आने का भाड़ा लेगा प्लस 500 रुपया लेगा। अच्छा अच्छा, जाने आने का भाड़ा और 500 रुपए देना पड़ेगा। जी, देना पड़ेगा। तो ये मतलब होने वाला है, इसमें आपको वारंटी मिलने वाली है 1 साल की। बाकी मान लीजिए अगर 1 साल के बाद अगर कुछ समस्या हो तो कहाँ जाएगा, तभी मेरे पास आएगा। अच्छा, तो उसमें क्या चार्ज होगा, वही रहेगा जो अभी बता रहा है वही बताएं, मतलब वो लाइफ टाइम के लिए वो चार्ज रहेगा। तो वो लाइफ टाइम भी आप लोगों को सपोर्ट, बहुत सारे जगह पे देखते हैं लोग मशीन बेच दिए उसके बाद कॉल ही नहीं उठाते। दूसरी कंपनी का बात मत कीजिए, अभी अपना बात कीजिए, आपके पास क्या सिस्टम है, मेरे पास क्या सिस्टम है, दूसरा कंपनी का बात करेंगे, हो सके तो कहीं देता हो ना देता उसमें वो क्या मतलब है, हम लोग अपना बात करेंगे। अच्छा, तो आप लोग जो नंबर दिख रहा है उस पर आप लोग कॉल करके पूरी जानकारी कुछ भी पूछना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं तो आप लोग कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको पूरा एड्रेस का पूरी जानकारी दिया गया है, उस पर वहाँ से भी आप लोग देख करके डायरेक्टली यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।